हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। नए सुबह के साथ नए वीडियो की शुरुआत। मैं हूँ देव टूला, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बंदा पहाड़ी में। और मम्मी लोग जा रहे हैं आज जोश मठ, कल हम गए थे, आज मम्मी जा रही है। मम्मी तैयार हो गई है और बुआ भी आज जा रही है और लगभग गांव के सारे लोग, महिलाएं जा रही है आज जोश मठ। उनका कुछ समूह है तो समूह वाले ने बुलाया है, तो अभी बहुत लेट हो गया, फिर भी जा ही रहे हैं। उनको कहा कि गाड़ी बुक करके आना, तो मज़े से आ रहे हैं। धूप भी आ गई, आज मौसम खुला है, धूप भी आ रही है, मज़ेदार। तो भाई हम लोग तो चले गए हैं जोशीमठ, वो भी चले गए अपने घर, और आज के काम भी बहुत हैं। पहले तो मैंने चूली को लगा दिया है धूप पे सुखाने के लिए, एक कट्टा और है उसको भी लगाऊंगा। और फिर देखते हैं, गौशाला जाना पड़ेगा गाय को घास देने के लिए। हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी मैं जो बादाम थे उनको धूप पे लगा के आ गया हूँ, सुखाने के लिए डाल दिया उनको, है ना। तो मैं अभी जा रहा हूँ गौशाला, तो मैंने कहा तब तक थोड़ा सूख जाएंगे क्योंकि मौसम में थोड़ा खुल रहा है अभी, बात का पता नहीं। तो मुझे जाना है गौशाला, वहाँ पे थोड़ा घास भी करना है गाय के लिए। तो मम्मी आ चली गई जोशीमठ, तो मैंने कहा चलो कल हम भी घूम के आ गए तो आज मम्मी भी घूम के आ जाएगी, है ना। तो जब मम्मी लोग का मन करता ना तब जाने देना चाहिए, वैसे सभी लोग जा रहे थे तो फिर मम्मी लोग का मन करता है कि यार सब लोग जा रहे हैं और हम नहीं जा पा रहे हैं। बोलते मम्मी मेरे को पूछती थी क्या करूं, मैंने कहा यार जब सब जा रहे हैं तो आप भी घूम के आओ, है ना। तो आज का काम मैं करा, मैंने कहा मैं कर लूँगा, थोड़ा कम करूँगा बट कर लूँगा। ये रहे हमारे गाय, देखते रहते हैं कौन आया बोल के, है ना। ये है फुरकिया बुल्ली, उसकी बछड़ी इधर से छोटा सा, है ना। इनके अभी जा रहे घास में जा रखा, चलो सही टाइम पर आ गया मैं, तो घास दे देता हूँ। अरे घास दूंगा मैं बड़ी बाछी और छोटे बाछी को। ले खा। और मैंने अपने गाय को दे दिया घास घूस, और अब करते हैं थोड़ा इनके लिए और घास, क्योंकि घास भी कम ही है। मम्मी को पता नहीं था कि यहाँ जाना है बोल के, तो मम्मी को कल रात को कॉल आया उनका, और फिर चाची लोगों ने बोला कि सबने कहा जाना ही है जाना है। तो नहीं तो मम्मी ना दो तीन बारे करके रख देती, मेरे को बोलती सिर्फ घास देना बस हो गया, पर इस बार मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी गाय को भूखा नहीं रखूँगा। तो चलते हैं घास के लिए। तो ये रहे मेरे दांतू और जूड़ू, जूड़ू हम रस्से को बोलते हैं, दांत तो हम दराती को बोलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाना मेरे को, बस गौशाला के थोड़ा ऊपर पे, वहाँ पे जाऊँगा घास के लिए। आगे मेरे साथ चल चल।
एक काम तो निपट गया है, गाय को घास भी कर लिया और उनको घास भी दे दिया। अब घर जाऊंगा, खाना वाना बनाते हैं अपने लिए और फिर आएंगे 1:30-2 बजे इनको घास देने के लिए। बारिश आएगी तो जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि उनको अंदर भी लगाना है। हम जा रहे हैं हैप्पी को खाना देने और टाइम हो गया 1:30 बज गए हैं, तो पहले हैप्पी को लेके जाएंगे खाना। हैप्पी हैप्पी बाती हैप्पी आ गया, हैप्पी आ गया खाना तेरे लिए। खाना अंदर आना, चल अंदर, चल चल अंदर, हाँ अंदर आ रहा है। बत्ती रुक, ये देखिए कितने छोटे हैं रे। हे हे ला 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 हे हे। हर अभी मैं हैप्पी को खाना देके वापस आया था, थोड़ा आराम कर रहा था, मैं थोड़ा सो जाता हूँ, ऐसे दिन में खतरनाक नींद आ रही है। तब तक बारिश आ गई, दादा ने उठा दिया और मैंने गाय बाहर बांध रखना तो उनको अंदर बांधेंगे, फिर जा ही रहा हूँ भाई। बारिश आ रही है आजकल, आपको पता है शाम या सुबह तो आई जा रही है बारिश, तो भाई जाते हैं अपने गाय को भी अंदर लगा देते हैं। हमारे गाय भीग चुके हैं थोड़ा थोड़ा, हमें यहाँ आए तो बारिश भी हल्की बंद हो गई है। और अब गाय को तो लगा दिए हैं अंदर और अब थोड़ा करते हैं लकड़ी। मम्मी ने यहाँ पे पूरा मतलब जो टहनी ना वो निकाल के रख रखे हैं सूखे सूखे वाले, और उनको मैं लकड़ी बना के रख देता हूँ, तो जब टाइम मिलेगा तब लेके जाते हैं घर पे। अभी तो फ़िलहाल मेरा इधर ही काम है थोड़ा, मतलब अब शाम तक इधर ही हूँ फ़िलहाल।